इस सब्जेक्टिव शीट में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में कैसे आएंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ई निकालना है एट अ पॉइंट 10,000 किलोमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ गिवन है, तो ये सेंटर ऑफ अर्थ है, स्मॉल आर की वैल्यू गिवन है 10,000 इंटू 10^3 मीटर्स, तो आपको यहाँ पे ई की वैल्यू गिवन है 4.8। क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट पर क्या होगा? अब सबसे पहली चीज, इसका मास क्या है? कैपिटल एम, जो कि मुझे पता नहीं क्या है। हाँ मुझे ई पता है, ई की वैल्यू क्या होती है? ई का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी कैपिटल एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। पर मुझे यहां पर क्या निकालना है? मुझे वी निकालना है। वी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस जी कैपिटल एम बाय स्मॉल आर। तो अगर आप इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर वन से क्या करते हैं? डिवाइड, तो वी डिवाइडेड बाई ई का फॉर्मूला क्या आएगा? माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर, और ऐसी कैपिटल जी एम बाई आर का स्क्वायर। जी एम से जी एम कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो क्या बचेगा? सिर्फ आर। तो वी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस ई इंटू आर। अब आपको इस क्वेश्चन में ई की वैल्यू तो गिवन ही है 4.8, और आर की वैल्यू भी गिवन है 10,000 इंटू 10^3 जूल पर केजी इज द आंसर। वी आ गया, ई बना लो, वी बना लो, डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। फर्क तो सिर्फ स्मॉल आर का ही है ना, ई और वी में, बाकी सब सेम ही तो है। तो समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें? ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो प्लीज। तो क्या गिवन है? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून गिवन है। तो ये अर्थ है और ये मून है, इनके बीच में डिस्टेंस आर गिवन है 3.85 इंटू 10^8 मीटर। एट व्हाट पॉइंट इन बिटवीन द टू द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो। मान लो ये वो पॉइंट है जहां पर नेट ई की वैल्यू क्या है? जीरो। तो ये पॉइंट की दूरी यहां से क्या है? एक्स, और यहां से क्या है? आर माइनस एक्स। आपको एक्स निकालना है। आपको मास ऑफ अर्थ गिवन है, आपको मास ऑफ मून गिवन है, लास्ट टाइम किया था। अगर यहां ई निकालना है तो मास एज्यूम कर लो 1, तो ये अर्थ इसे अपनी तरफ खींचेगी, तो अर्थ यहां खींचेगी जी इंटू मास ऑफ अर्थ बाय एक्स स्क्वायर, और ये भी इसे राइट खींचेगा जी मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जी से जी कैंसिल, गिवन है गिवन है गिवन है, सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक्स की। ऐसे क्वेश्चन हमने काफी किए जहां पर नेट इजी क्या करना है? जीरो। तो इधर और इधर ई निकाल लो, इक्वेट करो, आंसर क्लियर है यहां तक? डाउट इसमें? ठीक है, ठीक है। तो कैसे करना समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है टू के बाद थ्री। टू बॉडीज जिसका मास 100 and 1000 है, डिस्टेंस गिवन है। तो एक 100 केजी का मास है और एक 1000 केजी का मास है, डिस्टेंस इनके बीच में 1 मीटर गिवन है। कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एंड पोटेंशियल इन मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ? 0.5 मीटर। ए पार्ट पहले, यहाँ ई निकालो, जहां ई निकालना है 1 मास है, ये 100 केजी इसे अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो ई की वैल्यू क्या होगी? जी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर। तो 1000 केजी भी इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ई की वैल्यू क्या होगी? जी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.5 का होल स्क्वायर। नेट ई की वैल्यू क्या होगी? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या कर लेना है? माइनस। आंसर ठीक है, ई निकालना है राइट, ई निकालना है लेफ्ट, दोनों को माइनस। आंसर समझ में आ रहा है यहां तक? और अगर इसी क्वेश्चन में 100 केजी है और ऐसे ये 1000 केजी है, ये 0.5 मीटर है, ये 0.5 मीटर है, और मुझे यहां पर वी निकालना है, वी निकालना सबसे आसान वेक्टर, ड्रॉ ही नहीं करना। माइनस जी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस
माइनस जी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.5, तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो कैपिटल जी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। ठीक है यहां तक?
देखो इस क्वेश्चन के अंदर मास ऑफ अर्थ गिवन है, मास ऑफ अर्थ गिवन है, मास ऑफ अर्थ गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 33.5 kg। अब ये मास ऑफ अर्थ है, ये रेडियस है और एक ऑब्जेक्ट है, कितना 33.5 kg का एनर्जी निकालनी है पोटेंशियल, बोलो फॉर्मूला, माइनस जी मास ऑफ अर्थ ऑब्जेक्ट का मास बाय आर, निकाल लोगे पहला आंसर, सारी चीजें गिवन और आर आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर से निकाल लेना मीटर में कन्वर्ट करके। एक दूसरा क्या निकालना है आपको, निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट आर, आर की वैल्यू कितनी है 3.35 × 10^10 दूर, वी निकालना है, बोलो वी का फॉर्मूला, माइनस जी मास ऑफ अर्थ बाय स्मॉल आर, निकाल लेना आंसर, फॉर्मूला ही तो लगाया, एक में एनर्जी का एक में वी का, तो निकाल लेना फॉर्मूला। कैलकुलेशन देखो बढ़िया है इसकी, बड़ी बड़ी, मैंने बोला था ना 2 किलो 4 किलो 5 किलो में कुछ नहीं निकलेगा, अर्थ के मासेस भी निकलेगा, तो एक्चुअल मासेस बहुत बड़े हैं, तो मैं अपने एग्जाम्पल में छोटे लेता था। ठीक है यहां तक कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है कि दी रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल आर और एक्सलेशन जी है, कैलकुलेट वर्क डन रिक्वायर्ड इन रेजिंग अ बॉडी ऑफ मास एम टू हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये कैपिटल एम है, ये कैपिटल आर है, एच हाइट ऊपर लेके जाना है, तो वर्क डन निकालना है। एक काम करो, यहां पर एनर्जी कितनी है, माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर, फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी एच हाइट पर जाके, माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच। तो आपने कितना वर्क डन किया, जितनी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन में फाइनल एनर्जी क्या है, माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच में से माइनस माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर, इसे सिंप्लीफाई कर लें, जी एम एम कॉमन आ गया, यहां से 1/r आ गया और यहां से 1/r प्लस एच आ गया। ठीक है, आता क्लियर है, यहां तक छोड़ दो, और सिंप्लीफाई करना और कर लो, और सिंप्लीफाई करने में काम करो, जी एम एम बाय आर, 1/r कॉमन निकाल लो, तो क्या बचा 1 - r डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, याद करो ऐसे कर लो, यहां तक छोड़ दो, और सिंप्लीफाई करना है कैपिटल जी एम की जगह स्मॉल जी आर स्क्वायर पुट कर दो, और करना है बाइनोमियल लगा दो, बाइनोमियल लगा के आंसर फिर से एम जी एच आ जाएगा, छोटा एम जी एच, वो किया था हमने प्रूफ, यही तो प्रूफ था, पर करना नहीं है इसमें, एच स्मॉल नहीं है इसलिए वहां तक मत लेके जाना, यहीं तक छोड़ देना, आंसर है चलेगा यहां तक, आंसर समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो कुछ नहीं करना, यू हैव टू कैलकुलेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट फिफ्थ के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, सॉल्यूशन में ना जाएं, पता नहीं क्या कर रखे हैं, अपना सॉल्यूशन बनाएं, सोचें क्या होगा इसमें।
क्या क्वेश्चन है, क्या निकालने हैं, बोलो क्या निकालेंगे इसमें और कैसे काम करेंगे। वो क्या कह रहा है, आपके पास ना चार मासेस हैं, पॉइंट मासेस हैं, आपको उन पॉइंट मासेस को कहां पे रखना है, ए बी सी डी पे रखना है, साइड्स गिवन है, कहां से रखना है, फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस। भाई ये लार्ज डिस्टेंस फिजिक्स में क्या होता है, इन्फिनिटी। आपने अपने घर बैठे थे ना तो क्या सिखाया था, एक एक करके लाना पड़ेगा, तो पहले पॉइंट को लेके आएंगे तो कोई वर्क डन जीरो पहले में, दूसरे को लेके आएंगे वो कहेगा सर मेरे को प्लीज यहाँ पे मत छोड़ो क्योंकि ये मेरे को धक्का मारेगा, तो चिंता ना कर मैं वर्क डन करता हूँ तेरे को, या सॉरी अट्रैक्ट करेगा ये मुझे, तो मैंने कहा चिंता ना कर कोई अट्रैक्शन नहीं है, मैं तेरे को पकड़ के रखूंगा इसे, तो मुझे क्या करना पड़े, वर्क डन W2। फिर तीसरे को रखूंगा वो कहेगा मुझे पकड़ के रखो, दोनों मेरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो मैंने कहा चिंता ना कर W3 वर्क डन करूंगा। फिर चौथे को लगाएंगे वो तीनों मेरे को वर्क डन करेंगे W4, टोटल वर्क डन, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्चुअल में आपको सिस्टम की क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्यों वर्क डन के चक्कर में पड़ते हो, चार पार्टिकल की एनर्जी निकालनी थी, कैसे, दो दो करके लो, माइनस जी एम एम बाय आर प्लस माइनस जी एम एम बाय आर प्लस इन दोनों की प्लस इन दोनों की प्लस इन दोनों की प्लस इन दोनों की, छह बार ऐड कर दो आंसर, डन। कुछ करना ही नहीं है, फोर पार्टिकल सिस्टम की एनर्जी हमने निकाली थी, दो 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 और दो ऐड करोगे सीधा आंसर आएगा, यही पोटेंशियल एनर्जी आपका वर्क डन ही होगी आंसर।